पिलाओ पुत्री। लीजिए बाबा, इन सभी दुष्कर्मों के पीछे जरूर किसी शैतान का ही हाथ है, लेकिन उस शैतान को मेरी देवी माता जरूर खत्म कर देगी, और अगर नहीं किया तो मैं ही मार डालूंगी। कभी कभी आते रहना बाबा। जरूर आऊंगा। चलती हूँ। शैतान की जय हो, जय हो। दुर्गा हूँ, मेरा नाम दुर्गा है। ओह, मैं लोगों के मैले कपड़े धोती हूँ। मैं इसी गांव में पैदा हुई थी और अलग अलग गांव में पली बढ़ी। गांव गांव से बड़े बुजुर्ग इस गांव की पूजा में आने वाले हैं, इसलिए मैं भी आई हूँ। आने वाले तीसरे ग्रहण के पूरे होने तक मैं यहीं रहूंगी। एक और बात, उस बड़े घर के लड़के को सबने मिलकर पागल बना दिया है। उसके अपने रिश्तेदार उसे जान से मारना चाहते हैं। उसे कोई संभालने वाला नहीं है, इतना धनी होकर भी बिल्कुल बेसहारा है, बेचारा। वही तो, उसका क्या होगा ये सोचकर डर लगता है मुझे। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। इस काल में पत्नी का सौभाग्य ही पति की रक्षा करता है। उसके लिए जल्दी पत्नी ले आओ जो मुसीबत में उसका साथ दे। तुरंत उसके लिए जोड़ीदार ढूंढना शुरू कर दो। विचार तो अच्छे हैं, लेकिन क्या वो राजी होगा बेटी?
खोपरे की चटनी हो या खोपड़े की, आज तीखा भजिया खाने का मेरा मन है तो मैं वही बनाऊंगा। देखो ना, जो भी बोलता हूँ बनाता ही नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर तुम्हें प्यार से खिलाने वाली वो तुम्हारी बीवी है? जवाब दीजिए ना। ये कोई बात थोड़ी ना हुई, स्वीट्स तो बाजार से भी खरीद सकते हैं ना, उसके लिए पत्नी क्यों चाहिए? तो फिर तुम्हें सही गलत बताने के लिए कौन है? तुम हो। और माँ जी का ख्याल रखने के लिए तुम हो ना। और तुम्हें पापा बनाने के लिए तुम हो। सॉरी सॉरी सॉरी। देखो अगर तुम हाँ कह दो तो तुम्हें महारानी जैसी पत्नी मिलेगी और फिर प्यारे प्यारे बच्चे भी। वो मेरे और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए रसमलाई बनाएगी ना? चलिए। लड़की देखने के लिए हमें आपके घर पे आना चाहिए था, लेकिन आपको कष्ट उठाना पड़ा। कोई बात नहीं। शादी की पार्टी फुल एंटरटेनिंग है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाय। हाय। लड़की पसंद आई? देखो देखो ना कितनी प्यारी है ना। आप क्या मैथ्स में वीक हो? आपको कैसे पता? ऐसे सर्दियों के मौसम में भी इतने पसीने छूट रहे हैं तो ये मैथ्स के वीक स्टूडेंट्स की निशानी है। That's good. उसकी राय पूछ कर आती हूँ, तुम्हें तो पसंद है ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? मुंह खोलो। आपको मुबारक हो, मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा करो, इतनी सुंदर पत्नी जो मिली है। मैंने उससे पूछा, उसे तुम बहुत पसंद हो, उसने तो हाँ कर दी है, हम भी हाँ कह दी। मैंने बोला क्या? मैंने हाँ बोला क्या? रुको, ये कैसा कंफ्यूजन है, यहाँ इतने लोग क्यों हैं? बेटा, ये कैसी हरकतें कर रहा है, क्या हुआ? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मेरे बेटे को थोड़ा सा चक्कर आ गया इसलिए वो ऐसी बातें बोल गया। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी पागल को देख लिया हो। तुम बीमार नहीं पड़ते क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ए, तुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तुझे बुलाया क्या? मैंने तुझे बुलाया क्या? मम्मी आप लोग मेरी बात मानिए, ऐसे मत जाइए। वो बहुत होशियार है और काफी अच्छे इंसान भी। अगर उनकी शादी हो जाएगी तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसे मत जाइए। इन्हें उसकी बीमारी के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। अब देखो कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जो हो गया वो काफी है। उस पागल के लिए बेहतर होगा कि अब कोई रिश्ता लेकर मत आना। हमें क्षमा कर दीजिए, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? वो पागल नहीं है, उन्हें पागल आपने आप लोगों ने मिलकर बनाया है। क्या बकवास कर रही है? ए, जीवन रुक जाओ, औरतों पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। यू आर रॉन्ग। अब तू मुझे बताएगा कि राइट या रॉन्ग क्या है? तुझ जैसे पागल में इतनी अकल है क्या? कंट्रोल योरसेल्फ, राजी को सॉरी बोलो। ए, मारो मत। बेटा रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, हल्का मत करो। रुक जाओ, रुक जाओ, मत मारियो ना। मारो, उससे कहता है सॉरी बोलो, उससे। अपनी औकात पे रहा कर, वरना याद रख चमड़ी उधेड़ दूंगा। दर्द हो रहा है राजी। आप बुरा मत मानिए, मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहाँ आप और कहाँ वो, जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। जम सकती थी, मेरी गलती है राजी। स्वीट देखते मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। मैं जब जब स्वीट्स खाता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा होने लगता है, शैतान जैसा बन जाता हूँ। ये सारी चीजें पागल बना देंगी मुझे।